हेलो माय एग्रीकल्चर फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में जिसका नाम है द लर्न एग्रीकल्चर। हाय गाइस, आप सबका स्वागत है द लर्न एग्रीकल्चर चैनल में। आज की हमारी टेस्ट थी ICAR, MCAR एंड ऑल स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्जाम टेस्ट सीरीज फर्स्ट पोमोलॉजी, जो कि हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था डैडियस इज द फैमिली ऑफ पिनोएक्स डैक्टिलिफेरा। सो गाइस, उसका करेक्ट आंसर था अरेकासी। और हमारे जो बाकी ऑप्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें दिए है मुसासी फैमिली, सो इसमें आता है बनाना क्रॉप जिसका बॉटनिकल नेम मुसा पैराडिसिका है। सेकंड नंबर है हमारा अनेकार्डियासी, जिसमें आता है मैंगो, केशर नट और पिस्तोचो नट। फॉर दैट एनोनासी, जिसमें एक फ्रूट आता है कस्टर्ड एप्पल एंड ब्लॉक हर्ट। हमारा सेकंड क्वेश्चन था डैडियस इज एन क्रोमोसोम नंबर ऑफ पाइनएप्पल। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर था 50। और जो हमारे अदर ऑप्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो 36 नंबर है वो डेट पाम एंड पीकन नट का है। 32 जो है क्रोमोसोम नंबर वो कोकोनट, अरेका नट, ऑयल पाम, पाइमेरा पाम और वॉलनट में आता है। 44 हमारा बनाना का क्रोमोसोम नंबर है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन था पर्सिया अमेरिकाना इज एन बॉटनिकल नेम ऑफ। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर था एवोकाडो। हम अदर थ्री ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो पैशन फ्रूट है उसका जो बॉटनिकल नेम है वो है प्लासिफोरा इडुलिस। पिकैनट का बॉटनिकल नेम है कैरिया इलियोन्सिस। और जो ऑलो क्रॉप है उसका आप सबको पता है इमली का ऑफिशिनलिस। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन था कैरम्बोला इज अ डाइजेस्ट टाइप ऑफ फ्रूट। सो गाइस, ये फ्रूट आता है ट्रॉपिकल फ्रूट में। और जो अब हमारे बाकी ऑप्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेट फ्रूट्स में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं। तो इसमें आता है एप्पल, पियर, पीच, प्लम। उसके बाद सब ट्रॉपिकल्स में आते हैं मैंडरिन, स्वीट ऑरेंज, बेर, फिग। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था हमारा रास्पबेरी इज एन डाइजेस्ट टाइप ऑफ फ्रूट्स। सो गाइज, ये जो रास्पबेरी फ्रूट्स होते हैं उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है फ्रूट्स की वो कैसी होती है यहाँ पर हम देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर था अग्रेगेट फ्रूट। जो हमारे थ्री ऑप्शन है उधर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सिंपल टाइप ऑफ फ्रूट्स, सो गाइस जिसमें आते हैं बनाना, पपाया, ग्रेप, सपोटा और अरेका नट, एवोकाडो, जो कि सभी बेरी फ्रूट्स में है। इसके बाद मल्टीपल टाइप ऑफ फ्रूट्स, इसके एग्जांपल है फिग, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, मलबेरी। हमारा सिक्स नंबर क्वेश्चन था डैडियस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर था पीच। और जो अदर थ्री ऑप्शन है वो नॉन क्लाइमेटेरिक फ्रूट्स में आते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन था कॉफी शेविंग डाइजेस्ट टाइप फोटोपीरियोडिक रिस्पॉन्स टू द प्लांट। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर था शॉर्ट डे प्लांट। और इसमें और भी एग्जांपल आते हैं लाइक स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल। उसके बाद लॉन्ग डे प्लांट के बारे में जानेंगे। इसमें एग्जाम्पल आते हैं पैशन फ्रूट, बनाना और एप्पल। उसके बाद डे न्यूट्रल प्लांट्स में आते हैं पपाया, गावा और बनाना। उसके बाद हमारा सेवन नंबर क्वेश्चन था जो कि रिपीट हो गया है फिर से, फालसा इज एन टाइप ऑफ सॉल्ट टोलरेंस फ्रूट क्रॉप। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर था मीडियम टोलरेंट। और इसमें फालसा के अलावा और भी अदर क्रॉप्स आते हैं जैसे कि पोमेग्रेनेट है, केशव, फीग और जामुन। उसके बाद हाईली टोलरेंट प्लांट्स में आते हैं डेट पाम, बेर, आंवला, गावा, कोकोनट और खिरनी। उसके बाद हाईली सेंसिटिव में आते हैं मैंगो, एप्पल, सिट्रस, पियर और स्ट्रॉबेरी। उसके बाद हमारा एट नंबर क्वेश्चन था टाइप ऑफ डाइचोगैमी प्रेजेंट इन पिस्टाचो नट फ्रूट क्रॉप। सो गाइज, इसमें किस टाइप की डाइचोगैमी प्रेजेंट होती है? इसका करेक्ट आंसर था हेटेरोडाइचोगैमी। और जो हमारे अदर ऑप्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डियोडाइचोगैमी प्रेजेंट होता है चेस्टनट में। प्रोटोगाइनी प्रेजेंट होता है बनाना, फिग, पोमोग्रेनेट और प्लम में। इसके बाद हेटरोस्टाइली प्रेजेंट होता है सपोटा, लीची और पोम। बाद हमारा नाइन नंबर क्वेश्चन था डैडियस टाइप ऑफ पॉलिनेशन ऑकर्स इन द डेट पाम। सो गाइज, डेट पाम में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। उसके बाद जो सेल पॉलिनेशन होता है वो होता है ग्रेप, पपाया, सिट्रस और डार्फ कोकोनट में। टेन नंबर क्वेश्चन था हमारा डैडियस इज एन सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ पोमेलो फ्रूट क्रॉप। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर था साउथ ईस्ट एशिया। और जो बाकी हमारे ऑप्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिया कौन कौन से फ्रूट्स का ओरिजिन है? तो इसमें बेल है, जैक फ्रूट, कागजी लाइम आता है। उसके बाद चाइना कौन कौन से फ्रूट्स का ओरिजिन है? तो इसमें लीची आता है, स्वीट ऑरेंज और मैंडरिन आते हैं। और
जो यूएसए है वो सेंटर ऑफ ओरिजिन है पिकन एट फ्रूट क्रॉप का। 11 नंबर क्वेश्चन था, वेलेसियन इज एन एरोमा कंपाउंड ऑफ डाइजेस्ट फ्रूट। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर था ऑरेंज। अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो लेमन में होता है सिट्रल टाइप ऑफ एरोमा कंपाउंड। बनाना में 3 टाइप के एरोमा कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं उनके स्टेज वाइज। फर्स्ट स्टेज है उसमें ग्रीन अगर स्टेज है तो हेक्सानल एरोमा कंपाउंड प्रेजेंट होता है। राइप अगर स्टेज है तो यूजेनल होता है। ओवर राइप है तो आइसोपेनेटेनॉल होता है। इसके बाद एप्पल में भी 2 टाइप के स्टेजेस आते हैं, उसमें राइप अगर है तो इथिल टू मिथिल ब्यूटेरेट प्रेजेंट होता है एरोमा कंपाउंड। अगर ग्रीन स्टेज है तो हेक्सानल एरोमा कंपाउंड प्रेजेंट होता है। 12 नंबर क्वेश्चन था, डाइजेस एसिड प्रेजेंट इन प्लम फ्रूट क्रॉप। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर था मैलिक एसिड। और इसमें अदर क्रॉप में भी ये प्रेजेंट रहता है, जैसे कि एप्पल, बनाना, चेरी और मेलन में। इसके बाद था हमारा सिट्रिक एसिड, सो ये प्रेजेंट होता है बेरीज, सिट्रस, गावा, पियर एंड पाइनएप्पल में। 13 नंबर था हमारा क्वेश्चन, स्टार फ्रूट इज अ कॉमन नेम ऑफ। सो गाइज ये कॉमन नेम है कैरम्बोला फ्रूट क्रॉप का, और इसे हम 5 कॉर्नर फ्रूट क्रॉप भी कहते हैं। इसके बाद हमारे अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें आता है वाटर चेस्टनट। सो गाइज इसको हम पानी फल और सिंगारा भी कहते हैं। एप्पल को हम किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स कहते हैं, और मैंगोस्टीन को आप सभी को पता है क्वीन ऑफ फ्रूट्स कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन था हमारा, स्टोरेज टेम्परेचर दैट इज इन डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड फॉर बनाना फ्रूट क्रॉप। सो गाइस इसको लगता है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्टोरेज अगर करना है तो। इसके बाद हम अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस 8-9 डिग्री सेल्सियस मैंगो क्रॉप के लिए लगता है, 9-10 डिग्री सेल्सियस पपाया के लिए लगता है, 5 डिग्री सेल्सियस लगता है पोमोग्रेनेट के लिए। इसके बाद हमारा 15 नंबर क्वेश्चन था, डाइजेस्ट हार्वेस्टिंग पीरियड ऑफ एसिड लाइम। सो गाइज इसमें जो पीरियड है एसिड लाइम का हार्वेस्ट करने का वो है जुलाई टू सितंबर। अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज ये मई और अगस्त जो है ये होता है पाइनएप्पल, सपोटा और पोमेग्रेनेट हार्वेस्टिंग पीरियड। अब मार्च और अप्रैल के बारे में जानेंगे, ये होता है गावा के लिए, और जो मार्च टू मिड अगस्त है वो होता है मैंगो और बनाना के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो गाइज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।